आप जो ये सामने देख रहे हैं ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका इस्तेमाल कर आप अपने पौधों से ढेर सारे फल और फूल ले सकते हैं। ये मैंने एकदम फ्री में तैयार किया है, वो भी घर पर। अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह ऑर्गेनिक सब्जी छत पर उगाना तो ये फर्टिलाइज़र अपने गार्डन में ज़रूर यूज करें। ये फर्टिलाइज़र सभी पौधों के लिए हैं, फल वाले या फूल वाले, आप सब पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल किया है और रिजल्ट आपके सामने है। लौकी पर यह बहुत अच्छा काम करता है और लौकी बहुत सारी लगती है इसके यूज करने से। इस एक पौधे पर लगी थी बहुत सारी लौकी जो कि मैंने तोड़ ली है। हार्वेस्टिंग वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप सेम पर भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से पत्ते हरे भरे और पौधे स्वस्थ रहते हैं। चलिए जानते हैं कि हम किस प्रकार इस फर्टिलाइज़र को बनाते हैं। ये मैंने ले लिया है बटर मिल्क, जिसे छाछ या मई कहते हैं हमारे एरिया में। 1 लीटर बटर मिल्क को 5 लीटर पानी में मिलाकर पौधों में देना चाहिए। डायरेक्ट बटर मिल्क को पौधे में न डालें, जिससे पौधा आपका ख़राब हो सकता है। इसका इस्तेमाल आप सभी प्रकार के पौधों पर कर सकते हैं। फल वाले पे करेंगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेंगे, फूल वाले पे करोगे तो फूल ज़्यादा मिलेंगे। चलो अब इसका इस्तेमाल हम करके भी दिखाते हैं। पानी मिलाने के बाद कुछ इस प्रकार का ये दिखेगा। इसे हम सबसे पहले लौकी के पौधे में डालते हैं। ये गोल लौकी है, इसमें 1.5 लीटर तक डाल सकते हैं। 1 लीटर डाला है मैंने इसमें। बैंगन के पौधे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगन की साइज आप देख सकते हैं इसके इस्तेमाल से, कितना बड़ा साइज का बैंगन लगा हुआ है। हम हर 10 दिन में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमारे सभी पौधों में करते हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मिर्च के पौधे में भी करते हैं। आप भी अपने घर पर इसे आसानी से बना सकते हैं। इसके इस्तेमाल से सब्जी की पैदावार बढ़ जाती है। सब्जियों के लिए खासकर इसी का ही यूज किया जाता है ऑर्गेनिक बागवानी में। टमाटर के पौधे में भी इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। टमाटर गुच्छों में लगे हुए हैं। भिंडी में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हर रोज हमें भिंडी तोड़ने को मिलती है इन पौधों से। गुड़हल के पौधे में भी आप थोड़ा बटर मिल्क फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। मिर्च के पौधे में अभी भी लग रही है मिर्च। कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।